योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मामले को समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए सपा ने रणनीति लगभग तैयार कर ली। इसी के साथ पार्टी भाजपा के दागी मंत्रियों और विधायकों का पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही है। इससे इतना तो साफ है कि विधानसभा का आगामी सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा विधानमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसी बैठक में भाजपा को आपराधिक छवि वाली पार्टी बताने की तैयारी भी की जाएगी। वहीं सपा का दावा है कि NDR वर्तमान में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले जनप्रतिनिधि भाजपा में है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सपा भाजपा को विधानसभा से लेकर जनता के दरबार तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।